गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन 4, फूड फॉर हेल्थ, एंड वी विल डू बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। स्टूडेंट्स, आज हम इसका थर्ड पार्ट रीड करेंगे, मील्स ईटन इन अ डे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट 28, 7, 21 एंड क्लास वर्क हेयर। मील्स ईटन इन अ डे, जो मील्स हम दिन में खाते हैं, एक दिन में खाया जाने वाला खाना। एट डिफरेंट टाइम्स वी ईट 3 मेजर मील्स इन अ डे, हम एक दिन में 3 तरीके के खाने को खाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं ना हम दिन, पूरे दिन भर में। तो ब्रेकफास्ट, सो फर्स्ट जो हमारा मील होता है वो है ब्रेकफास्ट से शुरू होता है। इट इज द फर्स्ट मील ईटन इन द डे, दिन का हमारा पहला मील होता है ब्रेकफास्ट। वी मस्ट नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, हमें कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। ओके, लंच सेकेंड मील है हमारा, लंच जो जिसे हम दोपहर का खाना कहते हैं। इट इज ईटन इन द आफ्टरनून, यह दिन के समय खाया जाता है। डिनर, इट इज द लास्ट मील ऑफ द डे ईटन एट नाइट, यह लास्ट मील है दिन का और इसे रात को खाया जाता है, जिसे हम डिनर कहते हैं। वी मस्ट कीप इट एवरी वेरी लाइट, हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा डिनर है वो बहुत हल्का खाना चाहिए। ओके, गोल्डन ईटिंग हैबिट, अब खाने की अच्छी आदतें क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, टू स्टे फिट एंड हेल्दी, जो हमको फिट रखे, हमें स्वस्थ रखे। वी मस्ट फॉलो दीज गोल्डन रूल्स, हमें इन सुनहरे नियमों का पालन करना चाहिए, कुछ ऐसे नियम। नंबर 1, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर योर मील्स, तुम्हें क्या करना चाहिए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। ठीक है, ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमेशा कैसा खाना खाना चाहिए, फ्रेश में ताजा और साफ खाना। नंबर 3 पॉइंट, ईट फूड एट फिक्स टाइम इन द डे, खाने खाने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए, जैसे आप 8 बजे खाना खाते हो तो रोज आपको 8 बजे ही खाना खा लेना चाहिए, यानी कि टाइम से खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 4, च्यू फूड प्रॉपरली एंड डू नॉट स्पीक व्हाइल ईटिंग, खाने को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए और खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। लास्ट नंबर 5, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग और कुकिंग, फल और सब्जियों को पकाने से पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। ओके, सो टर्न योर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट ओवर ईट एंड डू नॉट वेस्ट फूड, ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए और खाने को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। ओके, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्लीन वाटर, हमें क्या करना चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए। अवॉइड ईटिंग जंक फूड, और जो जंक फूड है जैसे चिप्स बर्गर वगैरह, इसको अवॉइड करना चाहिए ऐसे खाने को। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बुक एक्सरसाइज करेंगे, लेट अस रिवाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन में टिक मार्क कीजिए। फर्स्ट, इट इज अ स्पाइस, यह एक स्पाइस है, क्लोव्स, ब्रोकली, पोटैटो, ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन। इट इज अ स्पाइस, स्पाइस क्या है इसमें से, क्लोव्स, सो टिक ऑन क्लोव्स। Broccoli and potato are vegetables. Number 2,
इट इज एनर्जी गिविंग फूड, यह एक एनर्जी गिविंग फूड है। एनर्जी गिविंग फूड कौन सा स्टूडेंट्स? इसमें से राइस, करेक्ट ऑप्शन इज राइस। सो टिक ऑन राइस इज एनर्जी गिविंग फूड। क्वेश्चन नंबर बी में डिफाइन करेंगे बैलेंस मील, इसको तो आप नोटबुक में कर सकते। क्वेश्चन नंबर सी में आ जाएंगे, कंप्लीट द वेब। अब यहां पर इस वेब को कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। काइंड्स ऑफ फूड, यहां पर फूड के प्रकार बताने, कितने तरह के फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ओके। नेक्स्ट आपका प्रोटेक्टिव फूड्स, सो स्टूडेंट्स एनर्जी गिविंग फूड्स में बटर, राइस भी लिख, एनर्जी गिविंग फूड में आप देख सकते हैं राइस लिखा हमने यहाँ पे, सो हम यहाँ पे राइस लिख लेंगे, ओके। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में पल्सेस एंड एग्स, प्रोटेक्टिव फूड में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्टिविटी टाइम कंप्लीट करेंगे बुक में। सो स्टूडेंट्स आज मैंने इसके क्वेश्चन आंसर 1 एंड 2 आपको नोटबुक में करवाए हैं, उसे देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर डेट 28/7/21, डे वेडनेसडे, क्लास वर्क, लेसन 4 फूड फॉर हेल्थ, लेसन नेम, क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? आंसर, वी नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, हमें खाने की जरूरत इसलिए पड़ती है, उससे हम क्या रहते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और स्वस्थ रहते हैं, इसलिए हमें खाना जरूरी है। क्वेश्चन 2, व्हाई मस्ट वी ड्रिंक वाटर, हमें पानी क्यों पीना चाहिए, क्यों जरूरी है पानी पीना? आंसर, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें बहुत अधिक पानी पीना चाहिए, बिकॉज वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वाटर पानी क्या करता है, उसको पचाने में हमारी हेल्प करता है, इसलिए हमें बहुत अधिक पानी पीना चाहिए। सो स्टूडेंट्स आपने ये 2 क्वेश्चंस करने हैं नोटबुक में और इन्हें लर्न भी करना है। होमवर्क में आपको देखिए क्या दिया गया है, होमवर्क भी समझ लीजिए स्टूडेंट। नेम 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिस तरीके से मैंने अभी आपको यहाँ पे बुक में फिल करवाया काइंड्स ऑफ फूड्स, उसी तरीके से मैंने नोटबुक में पिक्चर बनाकर आपको यहाँ पर क्या करनी है, एनर्जी गिविंग फूड्स लिखने हैं 2, बॉडी बिल्डिंग फूड्स लिखने हैं यहाँ पर उनके नेम, नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फूड्स लिखने, ओके। सो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज योर क्लास वर्क।